लव मैरिज से खफा पूर्व पति और ससुराल वालों ने महिला को दी जान से मारने की धमकी, एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। शिवपुरी जिले के सिरसौ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करमास खुर्द गांव की एक महिला ने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए गांव की ही एक अन्य युवक से लव मैरिज कर ली है, जिसके बाद पूर्व पति और ससुराल वाले महिला को जान से मारने की धमकी देकर उसे परेशान कर रहे हैं। गुरुवार को इसकी शिकायत लेकर एसपी ऑफिस पहुंची महिला ने आवेदन देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। जानकारी के अनुसार सिम्मी कुशवाहा ने बताया है कि 1.5 साल पहले उसकी शादी करमास खुर्द थाना सिरसौत के गोलू कुशवाहा के साथ हुई थी, जिसके बाद गोलू कुशवाहा और ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे। 2 माह पूर्व पति ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया, जिसके बाद उसने रवि कुशवाहा से लव मैरिज कर ली। वर्तमान में रवि कुशवाहा के साथ लव इन में रह रही हूँ, जिसके चलते पूर्व पति और ससुराल वाले मुझे और रवि कुशवाहा को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। महिला ने एसपी ऑफिस में आवेदन देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहाँ से आज आप एसपी ऑफिस आई, क्या शिकायत लेकर आई? हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। कौन? मेरे ससुराल वाले। क्यों ससुराल वाले धमकी क्यों दे रहे हैं? मतलब मैं वहाँ से पहले दूसरी जगह रहने लगी हूँ, तो वो मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, हाथ पैर काटने की धमकी दे रहे हैं। जो अगर घर आएंगे तो हाथ पैर काट देंगे। दूसरी जगह कैसे, क्या क्या मामला है, थोड़ा अच्छे से बताइए। लव मैरिज की है क्या आपने? हाँ, लव मैरिज की। लव मैरिज की पहले शादी कहाँ हुई थी आपकी? पहली शादी कर्मा जी हुई थी। वो फिर दूसरी बार कहाँ की आपने? वही कर्मा जी के दूसरे लड़के से कर ली। अच्छा, इसको लेकर क्या बोलते हैं वो आपको मारने की धमकी? मारने की धमकी देते हैं, हाथ पैर काटने की धमकी देते। कौन कौन देता है? वो अलके कुशवाहा, गोलू कुशवाहा, छोटू कुशवाहा। तो अभी आप पहले पति के साथ रह रही हो या दूसरे के साथ? दूसरे के साथ। तो जो पहली जो आपकी ससुराल थी वो धमकी देते हैं? वो धमकी दे रहे हैं। हस्बैंड भी देता होगा पहले का? हाँ। डिवोर्स वगैरह लिया होगा ना आपने शादी की? डिवोर्स नहीं दिया ही नहीं डिवोर्स नहीं दिया नहीं दिया क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ अगर मेरे पति या किसी पे आँच आए ना तो उन्हीं का नाम है। अच्छा, कैसे? हाँ। परेशान कर रहे हैं वो आपको? फोन लगाते हैं, वो धमकी देते हैं। कैसी धमकी देते हैं? फोन लगा कह रहे हैं जब गांव में आएंगे, कभी तो आएंगे, 2-4 साल बाद तुम्हारे हाथ पैर काट देंगे। शादी कब की थी आपने? पहली जो शादी की थी कितने समय हो गए? डेढ़ साल पहले। 1.5 साल पहले। और जो अभी लव मैरिज की उसे कितना समय हो गया? अभी 4-5 महीने। चार पाँच महीने से ही परेशान कर रहे हैं। तो आप अपने कौन से वाले जो अभी लव मैरिज की उनके साथ ही रहना चाहते हो? हाँ, उनके साथ ही रहना चाहते हो।